तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और गाइस आज का दिन और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज 11 जुलाई के दिन सिद्धू मूसेवाला जी का बर्थडे है। सो इस बार बर्थडे तो क्या ही मनाया जाएगा, बिकॉज हाल फिलहाल में उनकी 29 मई को डेथ हो गई है। और इसके बारे में तो यार सुन के काफ़ी ज़्यादा मेरे को शौक हुआ था, और आज भी मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि यार उनकी डेथ हो गई है। उनका मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ और आगे भी रहूँगा, बिकॉज उनके जो गाने ना वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते थे, और आज भी मैं उनके गाने इसलिए सुनता बिकॉज उनके गाने ना एक मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। सो आज मैंने प्लान बनाया कि मैं जाऊँगा मानसा में, और मानसा से मैं सिद्धू मूसेवाला जी के विलेज में जाऊँगा। और उनका जितना भी लग्जरी लाइफस्टाइल था, वो लग्जरी लाइफस्टाइल से जितने भी चीज़ों के थ्रू काम करते थे, उनका मैं आपको ब्लॉग प्रोवाइड करने वाला हूँ और उनका घर का टूर भी देने वाला हूँ। सो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी स्पेशल और अल्टीमेट रहने वाला है। ऐसे यार ब्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार इस वीडियो के थ्रू सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस मिल सके। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही इसको लाइक शेयर एंड इसके ऊपर कमेंट करना। सो वीडियो काफ़ी अल्टीमेट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सिद्धू मूसेवाला जी के गांव में पहुंच गया हूं, और यहां का नाम है मूसा पिंड, और यहां पे हम आपको फर्स्ट लोकेशन के ऊपर ले जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम उनके खेतों में ले जाएंगे जहां पे वो काम करते थे। सेकंड ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा उनके घर का व्यू, अगर परमिशन मिली तो आपको मैं होम टूर पूरा दे दूँगा। तो चलिए उस लोकेशन के ऊपर चलते हैं जहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है, और उनके खेतों के बारे में भी आपको मैं दिखाऊँगा जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला जी काम करते थे अपने खेतों में। चलिए गाइस चलते हैं। सो गाइस अभी आप व्यू देख सकते हो सामने मेरे, ये सामने जो खेत हैं ये सिद्धू मूसेवाला जी के खेत हैं, और सामने अभी आप देख रहे होंगे वहाँ पे उनको समाधि दी गई है, वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। और जितने भी खेत हैं बहुत ही प्यारे खेत हैं, यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला जी काम करते थे। वैसे तो गाइज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैं उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ, और आज भी मैं उनके गाने सुनता हूँ। और इतनी दूर से मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ बिकॉज हमें सभी लोगों को जस्टिस चाहिए, और मैं यही आपसे सजेशन करना चाहता हूँ कि यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सिद्धू मूसेवाला जी के कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। गाइस अभी मैं घूम रहा हूँ सिद्धू जी के खेतों में, काफ़ी अच्छे खेत हैं उनके। और अभी आपको मैंने एक बाइक दिखाई, वो उनकी बाइक थी, और उस बाइक को देख के यार लग नहीं रहा था कि सिद्धू जी आज हमारे बीच में नहीं है। सो गाइस अभी आप सामने देख रहे होंगे छोटे छोटे यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं सिद्धू जी के खेतों में, ये सिद्धू जी की याद में लगाए गए हैं। और सामने अभी आप अभी जो मैं गया था उस लोकेशन पर सामने देख रहे होंगे आप, यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई थी सिद्धू जी को। सो गाइस अभी आप सामने देख रहे होंगे एक खेत जो है, इसमें खुदाई करी गई है। यहाँ पे सिद्धू जी ट्रैक्टर चलाया करते थे और खुद खेतों में काम किया करते थे। गाइस मैं तो यही प्रे करूंगा कि यार सिद्धू जी की आत्मा को शांति मिले। वो इतने नाइस पर्सन थे ना यार, वो कितने डाउन टू अर्थ थे ना, वो खेतों में भी काम करते थे। क्योंकि यार मैंने मैक्सिमम आर्टिस्ट को देखा कि वो चंडीगढ़ या आउट ऑफ अपने पंजाब से कहीं बाहर चले जाते हैं, बट सिद्धू जी ने अपने गांव में ही अपना नाम रोशन करके यहां पे ही अपना मकान बनाया था। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं उनके होम टूर जरूर करवाऊंगा, अगर परमिशन मिली तो। और गाइस पंजाब का ना मेरे को कल्चर काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पर खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है।
गाइस अभी मुझे एक चीज़ और पता चली उनके फ्रेंड से कि वो हर एक चीज़ के शौकीन थे, महंगी से महंगी गाड़ियों से लेके ट्रैक्टर के शौकीन थे। गाइस अभी मैं सिद्धू जी के घर के पास पहुंच गया हूं और सामने उनके घर के पास ही एक दुकान है टैटूज की, तो यहां पे इन्होंने सिद्धू जी की फ़ोटो लगा रखी है। मतलब कि सिद्धू जी के गांव के आसपास ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उनके फ़ैन थे और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे और उनके गानों को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जाता था। सो गाइस अभी आप देख सकते हो यहां पे सिद्धू जी के घर के बाहर भी इनका फ़ोटो लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर थे और पगड़ी में तो एकदम मस्त लगते थे ये। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं जितने मोमेंट्स आपके लिए कैप्चर कर पाया मैंने कर दिए। और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यार, जब मैं हिमाचल से आया था ना तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी, बट पंजाब में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और सिद्धू जी के बारे में यार मैं जितनी चीज़ें ज़्यादा बोलूँ उतनी ही कम है। और यार इस टाइम मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, जब मैंने बाहर उनकी श्रद्धांजलि देखी तो यार मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि यार सिद्धू जी हमारे बीच नहीं है। बाकी यार उनका मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ और रहूँगा, क्योंकि यार उनके गाने मेरे को एक दिल में बसे हुए हैं ना। तो यार मैंने सोचा कि यार क्यों ना हिमाचल से पंजाब की तरफ जाया जाए। वैसे मैंने उनसे मिलना था, मैंने 2019 का प्लान बनाया था, बट मैं आज उनके घर आया, काफ़ी अच्छा लगा। और एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार सारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सिद्धू जी को जस्टिस मिल सके। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में होम टूर ब्लॉग चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मेरे को परमिशन मिली अंदर जाने की तो मैं आपको सिद्धू जी की जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ों के वो शौक रखते थे, उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो अपनी गाड़ियां रखी हुई हैं उन्होंने, और बंगले का भी टूर करवाऊंगा। और गाइस लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप सिद्धू जी के फ़ैन हैं तो। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।